सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए बरसों हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी जहां जाते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं। दरअसल वो इन दिनों कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंचे तो फिर कुछ ऐसा ही नजर आया। घाटी में उनसे जुड़ी हर एक खबर चर्चा में है, देखिए रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है। खूबसूरत वादियाँ, शानदार डल झील और ये मनमोहक नजारा, इसी नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए इन दिनों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर घाटी पहुँच गए हैं। यहाँ सचिन पूरे मस्ती के मूड में हैं। वादी कश्मीर आना हो और शिकारा से सफर ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो सचिन ने भी इसका खूब आनंद उठाया। इस दौरान उनका परिवार भी साथ में मौजूद रहा। पत्नी अंजलि और बेटी सारा शिकारा से सैर करते नजर आए। अब भला शिकारा में बैठे हों और चप्पू लेकर इसे अपने हाथ में नहीं चलाया तो क्या चलाया। लीजिए, सचिन ने भी इसे अपने हाथों में थाम लिया, यानी कभी बल्ला तो कभी चप्पू। सचिन किसी भी मामले में पीछे नहीं है। वहीं इसी शिकारा में सामने बैठी उनकी पत्नी और बेटी इन पलों को अपने मोबाइल में कैद करती नजर आईं। उधर सचिन की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक दूर दूर से डल झील के किनारे भी जुट गए। ऐसे में जब सचिन शिकारा से उतरे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहीं सचिन भी लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। सर, आप कश्मीर आए, सर कुछ बताना चाहेंगे? सर, कैसा लगा कश्मीर आके आपको? सचिन सर, सचिन सर, हम खेले। वैसे कश्मीर की अपनी इन छुट्टियों में सचिन अपने पहले प्यार यानी बल्ले से दूर नहीं रह सके। ऐसे में दो दिन पहले जब रास्ते में उन्होंने कुछ युवाओं को क्रिकेट खेलते देखा तो मास्टर ब्लास्टर ने फिर उन्हें अपना जौहर दिखाया। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा।